परवेज इलाही और शेख रशीद की मीडिया नुमाइंदगान से अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, चिल्ला काट आया, नस्ली और असली हूँ, कभी गद्दारी नहीं करूँगा, कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया। मैं हल्का 56 और 57 दोनों से इलेक्शन लड़ूंगा। चौधरी परवेज इलाही ने भी शेख रशीद की हिमायत का ऐलान किया, जिस पर शेख रशीद ने हिमायत करने पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। शेख रशीद ने कहा, मैंने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। गैर रस्मी गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुझे दो बार हार्ट अटैक हुआ लेकिन अस्पताल नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन लड़ने के सवाल पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, तीन जगह से MNA और तीन जगह से MPA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बोले फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल का क्या होना है। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुआ तो तारीखी बहरान आएगा। 56 और 57 दोनों से इलेक्शन लड़ूंगा। चौधरी परवेज इलाही ने भी शेख रशीद की हिमायत का ऐलान किया, जिस पर शेख रशीद ने हिमायत करने पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। शेख रशीद ने कहा, मैंने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। गैर रस्मी गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुझे दो बार हार्ट अटैक हुआ लेकिन अस्पताल नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन लड़ने के सवाल पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, तीन जगह से MNA और तीन जगह से MPA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बोले फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल का क्या होना है। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुआ तो तारीखी बहरान आएगा।